फकीर डालो। मैंने बोला फकीर डालो, सुनाई दिया ना फकीर डालो। नीचे देखिए बाबूजी, धीरे धीरे हो गया। सलाम अलैकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जानवी, खुश रहो। आदाब अर्ज है उमेश जी। आइए आइए। दवाई वाला डब्बा ले लिया ना आरती? ये भी कोई याद दिलाने की चीज है, बच्ची थोड़ी है हम। जानवी, अम्मा बाबूजी और आरती पीछे बैठ जाएंगे, बाबा के लिए आगे बैठ जाएंगे, तुम हम और चाची जी चाचा जी पीछे बैठ जाएंगे। अरे सुनो ब्रजेश, देखो हम उमेश भैया के यहाँ आ गए हैं और ये लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं समोहा फकीर दौला की दरगाह पे एक दिन के लिए। हम और मालती भी साथ जा रहे हैं। अरे भाई कल शाम तक लौटेंगे, तब तक तुम दुकान संभाल लेना, ठीक है? माधुरी भाभी सब सामान ले लिए ना? हाँ हाँ मालती, जो जो हुआ हम रख लिए हैं, बाकी देख लेंगे ना। हाँ खाना वाना रस्ते में जैसा भी होगा देख लेंगे। अम्मा बीच में बैठ जाइए आरती के बगल में। चाचा जी आप पीछे बैठ जाइए। चाची जी आप घबराइए नहीं, आपकी सेटिंग चाचा जी के साथ ही रखिए। चुप कर बदमाश, अब काहे की सेटिंग? अरे आधी जिंदगी निकल गई साथ साथ। अरे चाची जी अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अब देखना चाचा जी कितने रोमांटिक हो जाएंगे। अरे हमने सोचा कम से कम आज के लिए तुम्हारी चाची से छुटकारा मिल जाएगा। अरे रघु चाचा पहले यहाँ से तो निकले। अरे संदीप डीजल भरवा लिए हो ना? हाँ भैया टंकी फुल करा ली है। ठीक है चलिए। अरे वो देखो वो जया और किशन भी आ गए। पाई लगो बाबूजी। अरे क्या बात है, चाचा चाची भी ज्वाइन हो गए हैं आप लोगों के प्रोग्राम में? हाँ हम तो उमेश भैया को देखने आए थे, देखा सब लोग साथ जा रहे हैं तो हमने भी प्लान बना लिया। और का तो पूरी फैमिली को बस में कर ही लिया है बाबा कलीम, सब के सब को ले जा रहे हैं फकीर दौला के दरगाह में। ऐसे सफर पे निकलने के वक्त धोखा नहीं करते। अच्छा, अरे किशन भैया जिद छोड़िए, हम तो कहते हैं आप दोनों भी चलिए। अरे नाना हम तो यही ठीक है। मुकेश तुम जाओ, राम राम। इसे दरगाहों में माथा टेकने से बाबूजी थोड़े ना ठीक होने वाले हैं। बाबूजी को दुआ की नहीं दवा की जरूरत है, कौन समझाएगा इनको? आप ऐसी कड़वी बातें काहे करते हैं? अगर ये सब करके इनके दिल और दिमाग को सुकून मिलता है तो इसमें बुरा क्या है? ये गाड़ी ट्रेस हुई 18 सितंबर की सुबह को 12 फीट पानी के अंदर। तनवर फैमिली समोहा के फकीर दौला की दरगाह के लिए जा रही थी, पर कुछ लोग रात में ही वापस भी लौट रहे थे। आधे रास्ते से वापस लौट आना और फिर ये एक्सीडेंट, रोड से हटकर झील में जाकर गिरना। ड्राइवर की आंख लग गई होगी, लेकिन इतनी भी आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो सकती है गाड़ी? गाड़ी में और लोग भी थे। गाड़ी के साथ साथ इस केस में कई सारे सवाल और जवाब भी आउट ऑफ कंट्रोल थे, एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे थे।
वो देखा तुमने? हाँ, वो गाड़ी तो पूरी पानी में गिर गई। अब क्या करेंगे? असल में वहाँ क्या हुआ हमको भी नहीं पता है सर जी। सुबह दूध वाला हमको बता रहा था कि पुरनिया झील में कोई गाड़ी गिरी है। उसने अपनी आंख से नहीं देखा, उसे भी किसी और ने बताया। ठीक है मुखिया जी, हम भी तुरंत निकल रहे हैं। बोलू संभल के। सब हम लड़के को भेजे हैं पानी में। पहले किसने देखा? कौनों को नहीं पता कि पहले किसने देखा है, पर गांव में खबर फैल गई। मोनो। हाँ मुखिया जी, एक गाड़ी मिला है, काले रंग का है, बड़ा सा गाड़ी, करीब 12 फुट नीचे होगा पानी के, एकदम जम गया है। गाड़ी के अंदर लोग भी है क्या? हाँ साहब, कुछ लोग हैं। एक नहीं, दो एम्बुलेंस चाहिए। चौधरी मुझे कुछ नहीं पता, क्रेन के ड्राइवर को बोल पुरनिया झील के नियालपुर गांव वाले छोर पर पहुंचे जल्दी। चौधरी 5 मिनट के अंदर मुझे क्रेन चाहिए, तेरी बहानेबाजी नहीं सुननी है मुझे, समझा तू? 5 मिनट में यहाँ क्रेन चाहिए, मतलब चाहिए, वरना तू देख लेना। सर, सर क्या बात है, यहाँ क्या हुआ है सर? एक गाड़ी धस गई झील में। गाड़ी कौन सी थी सर? गाड़ी काले रंग की बड़ी गाड़ी थी सर। ये लोग है क्या गाड़ी में? अभी गाड़ी बाहर निकली नहीं, और तुम फोटो लेकर पहुंच गए? हमारी फैमिली समूह जा रही थी, पर बाबूजी, अम्मा और ये जानवी छोटी बहन, वो लोग वापस घर लौट रहे थे साहब। वो काले रंग की गाड़ी में आ रहे थे साहब, जैसे आप बोल रहे हो। हमारा छोटा भाई मुकेश, उसकी पत्नी आरती, वो कहीं आगे रुके हुए हैं मंदिर पर। उसका फोन आया हमको कि वो लोग लौट रहे हैं, हम आते वक्त देखे सर यहाँ पर। गाड़ी बाहर निकलने में अभी टाइम है, तब तक अपने भाई और भाभी को फोन करके पता करो। सुबह बात हुई थी उससे सर, अब तो किसी का फोन ही नहीं लग रहा सर। देखो गाड़ी बाहर निकलने के बाद ही हम बता पाएंगे कि उसमें कौन कौन है, ठीक है? हम एक काम करते साहब, बाकी लोगों को लेकर आते हैं। रुको। हाँ सर। अजीत, उनके साथ जाओ और वापस लेकर आना। आओ भाई जल्दी। जब अम्मा बाबूजी और जानवी घर नहीं पहुंचे तो हम इस तरह बाहर निकल गए, तो रास्ते में पता चला कि नियालपुर के झील में गाड़ी गिर गई है, और वो भी काले रंग की। कहाँ बात कर रहे हो किशन? उस गाड़ी में तुम्हारी मालती चाची भी है। वो ड्राइवर संदीप ले गया था उन्हें, बाबा कलीम भी थे गाड़ी में। हाँ, चल, चल, ये क्या कह रहे हैं आप? जल्दी चलो, कैसे हो गया ये सब?
अंदर कोई जिंदा बचा है कि नहीं? हे भगवान, सब जिंदा हो। तीन लाशें मिली और कोई नहीं है गाड़ी। एक बार फिर अंदर जाकर देखो, लगता नहीं है इन तीनों में से कोई गाड़ी चला रहा था। जाओ जाओ जाओ। सर ये दो बुजुर्ग तो हैं, लेकिन ये लड़की मौजूद नहीं है गाड़ी और उस औरत का फोटोग्राफ नहीं दिया गया। पूरा का पूरा छान मारो, एक लड़की और ड्राइवर अभी भी अंदर होने चाहिए। सर तीनों मर चुके हैं। गाड़ी में और कौन कौन था? सर हमारी छोटी बहन जानवी, बाबा करीम कुरैशी और ड्राइवर संदीप, वो तीनों कहाँ हैं सर? सर पानी में और कोई बॉडी है नहीं। तीन लोग और थे गाड़ी में, दो आदमी और एक लड़की। शायद वो तीनों बाहर निकले होंगे और बह गए होंगे सर। एक बार और चेक करो, अंदर तक जाओ। जी सर। देखिए मुखिया जी, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि गाड़ी को सबसे पहले पानी में जाते हुए किसने देखा था। मैडम जी वही तो नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ कानों तक बातें आ रही है कि इसने देखा उसने देखा बस। गाड़ी में तीन लोग और थे और वो लाशें मिल नहीं रही है। हो सकता है वो लोग बच गए हों या उनकी लाशें कहीं बह के चली गई हों, पता तो चले। हम गाँव वालों के साथ सख्ती से पेश आते हैं, उनसे पूछते हैं सबसे पहले किसने देखा और वो सामने काहे नहीं आ रहा है। मैडम पूरी गाड़ी छान मारी, कोई मोबाइल नहीं मिला। टोइंग वालों का इंतजाम करो, गाड़ी थाने लेके जाना होगा तुरंत। मुकेश मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे लिए जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हमको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, बस सवेरे 4 बजे करीब मुकेश का हमको फोन आया। हाँ मुकेश कहाँ पहुँचे? किशन भैया, अम्मा बाबूजी मालती चाची जानवी और बाबा कलीम को संदीप घर वापस लेके आ रहा है। कहाँ वाले? हाँ पाऊजी की तबीयत ठीक है ना? पता नहीं किशन भैया, सबकी हालत खराब है। आप जल्दी से गाड़ी लेकर मंदिर के पास आ जाइए। मंदिर? कौन सा मंदिर? अरे वो नियालपुर के आगे बाईपास रोड पड़ती है ना, वहीं पर ही बैठे हम। एक मंदिर है छोटा सा पेड़ के नीचे, हम चाचा जी और आरती वहीं बैठे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। अरे कुछ बताएगा भी मुकेश? अरे किशन भैया आप बस ये देख लीजिए कि बाबू जी जानवी और अम्मा जी पहुँचे या नहीं पहुँचे ठीक से। सर हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हमको मुकेश ने सिर्फ इतना बताया कि सबकी हालत खराब है। मुकेश कल दिन में तुम्हारी पत्नी आरती, तुम्हारे माँ बाबूजी, उमेश जी माधुरी जी, तुम्हारी छोटी बहन जानवी, तुम्हारे चाचा रघु जी, इनकी पत्नी मालती, बाबा कलीम कुरैशी और ड्राइवर संदीप कहाँ के लिए निकले थे? समोहा के लिए, वहाँ के फकीर दौला की दरगाह पर जा रहे थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप लोग बीच रास्ते से लौट आए और आप तीनों आगे वाले मंदिर पर रुक गए? सर हम सभी एक जगह रुके डिनर के लिए और उसके तुरंत बाद ही सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। मुकेश भैया अब मैंने कुछ चक्कर सा आ रहा है और उल्टी जैसा भी हो रहा है। हमें भी बहुत अजीब सा लग रहा है। हमें भी लगा। हमको भी बहुत नींद आ रही है। मुकेश बेटा तेरे बाबूजी तो बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं, वो खा के मेरा सर भी
बहुत चकरा रहा है बेटा। हमको भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। संदीप झपकियां ले रहा है, कैसे चलाएगा ये गाड़ी? गड़बड़ सा लग रहा है मुकेश भैया, ऐसे में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सुनिए, कहीं गाड़ी रोकते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। संदीप आगे ना कहीं गाड़ी रोक दो। हाँ बहुत बिगड़ रही है। आराम से आराम से आराम से भैया, बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। हमें नहीं लगता कि वो आगे जा पाएंगे। की हालत खराब है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। बेटा बाबूजी को घर ले जा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो अस्पताल ले जा बेटा। मैं गाड़ी कौन चलाएगा, सबकी हालत आप देख ही रहे हैं। संदीप जी आप गाड़ी चला लेंगे? चला तो लेंगे लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं, पता नहीं कहाँ आँख लग जाए। हम वापस घर जाने की सोच रहे हैं सीमापुर, बाबूजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। चलो वापस चलते हैं। नहीं मुकेश जी, हम थोड़ी देर यहीं सोना चाहते हैं, आप इन सबको जाने दीजिए ना, आप यहीं ठहर जाइए। मुकेश भैया हम अम्मा और बाबूजी को लेकर घर जाते हैं। अपनी चाची जी को भी साथ ले जाओ, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम यहीं मुकेश और आरती के पास रुक जाते हैं। ठीक है तुम लोग निकलो तुरंत, और वहाँ पहुँचते ही किशन भैया को बोल देना एक गाड़ी भेज दे हमें पिक करने के लिए। ठीक है अम्मा चाची चलिए। बाबा कलीम तो गाड़ी से उतरे ही नहीं, मानो जैसे गाड़ी में बेहोश पड़े थे। फिर गाड़ी वापस जाने के लिए निकली और हमने किशन भैया को फोन किया। ये जो आप सबकी एक साथ तबीयत खराब होने लगी थी, ये डिनर करने के बाद हुई थी? हाँ सर, ऐसा ही लगता है। कहाँ खाया था खाना आप लोगों ने? के आगे वो ढाबा पड़ता है, ड्राइवर संदीप ने कहा था। अरे वो दाल मखनी सबसे ज्यादा फेमस है संतराम ढाबे की, और बाकी खाने बहुत बढ़िया मुकेश भैया, वही खाते हैं। हाँ रात 9 बज गया है तो खा ही लेते हैं। मुकेश भैया बाबूजी के भी दवाई का टाइम हो गया है ना, तो कुछ खा लेते हैं। अरे संदीप संतराम ढाबा पहुँचने में कितनी देर लगेगी? अरे बस यही रहा, 2 मिनट में आ जाएगा। डिनर से पहले जब आप लोग चले तब किसी को भी नींद या भारीपन ऐसा कुछ लग रहा था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमें तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी आरती और तुम्हारे चाचा रघु जी का मेडिकल करवाना होगा। सर हमारी छोटी जानवी थी, वो कहाँ है सर? हमारे ड्राइवर्स आपकी छोटी बहन जानवी, बाबा कलीम कुरेशी और ड्राइवर संदीप को ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको बता देंगे। या तो तीनों मिलते या तीनों में से एक या दो मिलते, और या फिर कोई नहीं मिलता। सब लोगों का एक साथ बीमार पड़ जाना,
कुछ लोगों का पीछे रह जाना और फिर बड़े भाई किशन तनवर का फैमिली फोटो के साथ क्राइम सीन पर पहुंचना। सर, इस केस में सर से लेकर पांव तक साजिश नजर आ रही है। नींद की गोली वाले एंगल से एक बात तो साफ हो गई थी कि ये एक्सीडेंट का केस कतई नहीं था, लेकिन सवाल यह था कि साजिश क्या थी, मकसद क्या था। वो अब भी जो सामने था उससे कई फीट नीचे डूबा हुआ था। एक्रामोन, ये सब्सटेंस मिले इनकी ब्लड स्ट्रीम से, ये कोई ऐसे लेता नहीं, और तीनों की बॉडी में एबनॉर्मली हाई डोसेज है इसके। डॉक्टर, गाड़ी में तीन लोग और थे जो अभी तक मिले नहीं है, और तीन लोग जो गाड़ी में चढ़े नहीं थे उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। वैसे डॉक्टर, इनकी मौत डूबने की वजह से हुई होगी या फिर वजह कुछ और थी? मौत डूबने से ही हुई है, पर सेडेशन किस लेवल पर, इतने बेहोश रहे होंगे कि इनको पता भी नहीं होगा कि गाड़ी कब झील में गई। किसी ने बचकर निकलने की कोशिश भी नहीं की होगी। डॉक्टर, गाड़ी में कुल मिलाकर 6 लोग थे, 2 मर्द और एक जवान लड़की अभी भी मिसिंग। जब तक वो मिल नहीं जाते या उनकी बॉडीज नहीं मिल जाती, तब तक ये तय कर पाना इम्पॉसिबल है कि उनके ब्लड स्ट्रीम में कितना एक्रामोन रहा हो। आपका ये केस एक्सीडेंट या ड्राउनिंग का लगता नहीं है। इस सैटरडेड कंडीशन में कोई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा भी कैसे? ड्राइवर से बोलो झील को थोड़ा सर्च करें ढंग से, बॉडीज इधर उधर जा भी सकती है बह के, समझे? हाँ जी, कहिए। साहब, मुकेश भैया का फोन आया था, कह रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है। हमारे पति संदीप की कोई खबर मिली क्या? संदीप वर्मा ड्राइवर जी, हमारी ही गाड़ी है, खुद ही ड्राइवरी करते हैं। संदीप के साथ में 2 बॉडीज और गायब हैं। आप ऐसा करिए, आप अपना मोबाइल नंबर और संदीप का एक फोटो दे दीजिए। ये सब क्या हो गया? हम लोग तो एक नेक काम के लिए निकले थे ना घर से। हम तो बस यूं ही उमेश भाई साहब का हाल चाल पूछने आए थे। ये सब कैसे हो गया? ये रिपोर्ट सर। सिर्फ मुकेश तनवर और रघु तनवर के ब्लड स्ट्रीम्स में नींद की गोली है? जी, मुकेश और रघु तनवर दोनों के ब्लड स्ट्रीम में एक्रामोन के हेवी डोजेस मिले हैं, जबकि मुकेश की बीवी आरती के ब्लड स्ट्रीम में कोई ट्रेसेस नहीं मिले हैं। वैसे आरती 4 महीने से प्रेग्नेंट है, मुझे मुकेश ने भी बताया। शायद आरती ने ढाबे का खाना खाया ही ना हो। भाभी, खाइए ना थोड़ा सा, वरना हमारा भतीजा या भतीजी पेट में नारेबाजी करेंगे। हमारा सच में बिल्कुल मन नहीं है जाने। बेटा थोड़ा खा लेती। अम्मा रहने दीजिए ना, जबरदस्ती खाएगी तो उल्टी उल्टी हो जाएगी रास्ते में। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? ना ना अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस सफर के दौरान कुछ भी खा लेने से ना जी ऊपर को आता है। हम वहाँ पहुँच कर खा लेंगे ना कुछ पक्का। अरे अम्मा, वो परांठे लाए ना घर से, थोड़े से बचे हैं, भूख लगेगी तो रास्ते में खा लेंगे। परांठा भी उसने आधा ही खाया था। तो सिर्फ और सिर्फ आरती जी ऐसी थी जिन्होंने ढाबे का खाना नहीं खाया था? हाँ सर, दरअसल मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस वक्त उसका ढाबे में खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा था। अच्छा, ये आपका फकीर दौला की दरगाह पे जाने का प्रोग्राम कब बना? मतलब ऐसे ही बना या फिर कोई मन्नत वगैरह मांगी थी? सर, मन्नत ही मांगी थी और इसलिए माथा टेकने जा रहे थे। प्रोग्राम तो मुकेश और बाकी लोगों ने बनाया था। तुम लोग अलग रहते हो? बगल वाली गली में रहते हैं। तुम दोनों नहीं गए माथा टेकने? हम इन सब चीजों में नहीं मानते सर। ये कभी भी नहीं गए उनके साथ? कभी भी? मतलब ये लोग रेगुलर जाते थे दरगाह पर? नहीं सर, समाह के फकीर दौला के दरगाह पर पहली बार जा रहे थे, लेकिन इसके पहले 10 बार सिकंजगढ़ के पीर वाजी दरगाह पर माथा टेकने गई थी पूरी फैमिली। सिकंजगढ़ 10 बार? मतलब ये रेगुलर प्रोग्राम था? बार पीर वाजिद की दरगाह पे जाना, ये भी बाबा कलीम कुरैशी के कहने पे हुआ था? हाँ सर, दरअसल हम सभी बहुत परेशान थे बापूजी की तबीयत को लेकर। डॉक्टर, हमारे बाबूजी कैसे हैं? हम उनसे मिल सकते हैं क्या? 1-2 घंटे के बाद मिल सकते हैं।
लेकिन आपको बता दूं ये एक स्ट्रॉन्ग पैरालिटिक स्ट्रोक था। उनकी बॉडी की राइट साइड की फंक्शनिंग इस वक्त ऑलमोस्ट निल है। बाबूजी ने हम सबके लिए पूरी जिंदगी दे दी, पूरी मेहनत की, अब हमारी बारी थी उन्हें संभालने की, उन्हें ठीक करने की, उन्हें आराम देने की। फिक्र सभी को थी, सभी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों मुकेश, आरती, जानवी को दवा से ज्यादा दुआ असरदार लगने लगी थी। अम्मा ने भी हर दूसरे दिन नए नए व्रत रखने शुरू कर दिए थे। एक ऐसा धार्मिक स्थल नहीं होगा जहां जानवी नंगे पैर नहीं गई, फिर चाहे तपती धूप हो या बारिश। फिर आदम का ये बाबा कलीम खुरेशी पहले 10 बार पीरवाजी दरगाह के चक्कर कटवाए, फिर मुकेश से कहा फकीर दौला के दरगाह जाते। इतने बड़े बुजुर्गान दीन बाबा फकीर दौला का नाम सामने आया, मतलब बुलावा आया है। अब नाम आया है तो हो आते, ज्यादत करने में नुकसान नहीं है, शिफा है। अब हम भी आप लोगों के साथ आएंगे। कल का प्लान बना है बाबूजी, देखना इस बार आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तो पूरी फैमिली में से सिर्फ तुम और तुम्हारी पत्नी जया, बस तुम दोनों नहीं गए। हमने कहा ना आपको सर, हमको विश्वास नहीं है इन सब व्रतों और मन्नतों में। इस बात को लेकर तो एक बार मुकेश और जानवी से हमारी लड़ाई भी हुई थी। मुकेश 10 बार सिकंजगढ़ के दरगाह पर माथा टेक कर आए हो तुम लोग। अब वो बाबा कह रहा है कि समूह के फकीर दौला के मजार पर चलना है, वो भी 10 बार होगा, 10 बार माथा टेकोगे? मतलब ये अति नहीं हो रहा का? भैया हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो बाबूजी के लिए कर रहे हैं ना, बाबूजी के लिए कुछ भी अति कैसे हो सकता है? और भैया आपको ऐसा लगता है कि हम फ्रॉड वॉड के चक्कर में पड़ गए हैं? बाबा ढोंगी है, बाबा कोई ढोंगी होंगी नहीं है। बाबूजी का इलाज डॉक्टर लोग कर ही रहे हैं, जितना मुमकिन है उतनी रिकवरी हो रही उतनी ही होगी। तो कहाँ ये बाबा हुआ के चुंगल में फंस गए यार? ये बाबा लोगों का काम है अपना जेब भरने के लिए सब नौटंकी करते हैं, इन सब में कुछ सच्चाई रखी है। और ये पैलेसिस का दुआ से ठीक होता है का? भैया आपको इस सब पे विश्वास नहीं है ना तो आप मत करिए, लेकिन हमें विश्वास है तो हमें तो करने दीजिए। और हम तो कहते हैं भैया आप और जया भाभी भी चलिए हमारे साथ और मन से बाबूजी के लिए दुआ मांगे। रहने दो मुकेश, बाबूजी को हम मन से प्यार करते हैं, उनका भला चाहते हैं, हमें ये मांगने उन्हें की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है वो सच्चा है। तो हमारा मन झूठा है का? खोट है हमारे मन में। जब वो लोग फकीर दौला के दरगाह के लिए निकल रहे थे तब भी हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सब के सब को ले जा रहे हैं फकीर दौला के दरगाह में, ऐसे सफर पे निकलने के वक्त धोखा नहीं करते। हमको बड़ा बुरा लगा सर जब ये उन लोगों को ऐसे टोक दिए, मानो कोई अपशगुन हो गया हो। अब तू शुरू मत ही होना साहब, हमसे सहन नहीं होता ये सब कुछ, ये सब अंधविश्वास। हम तो बाबूजी को बस पूरी तरह से ठीक होना देखना चाहते थे, क्या से क्या हो गया, सब खत्म हो गया। बाबूजी, अम्मा, चाची और शायद हमारी जानवी भी। सर डाइवर्स अभी तक झील में ढूंढ ही रहे हैं, पर लगता है वो तीनों बह गए कहीं दूर। कुणाल अपनी टीम से कहो कि कोशिश जारी रखे, हमें यहाँ क्रिमिनल साजिश के आसार नजर आ रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो संजू, दूध वाला हमसे बताया है कि रमेश ने उसे बताया, हम रमेश से भी मिले, ऐसा करते करते हम उन सभी लोगों से मिले जिन जिन लोगों ने ये बातें सुनी थी और आगे पहुंचाई थी, और आखिर में किसका नाम आया? तुम्हारा। अब तुम ये बताओ कि तुमने क्या देखा और ये सब बातें हमसे और पुलिस वालों से क्यों छुपा रहे थे? सच सच बोलना संजू, नहीं तो पुलिस है ना तुमसे सच उगलवा लेगी। भैरव सिंह। का रे भैरव, वो मुखिया का है बुलावा भिजवा रहे तो के? बापू हम कुछ किए ही नहीं है, हम जाके देखते काहे बुलाए हूँ। ठीक है हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तनवर फैमिली यहाँ रुकी, यहाँ पे इन्होंने खाना खाया, खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें नींद और चक्कर आने लगे। ऑर्डर किसने लिया था?
मैडम वो पार्टी टेबल नंबर 7 और 8 पर बैठे थे। यही वेटर था ड्यूटी पर, पंकज साय नाम है इसका। नमस्ते मैडम। खाने में क्या मिलाया था तूने? खाने में हम कुछ नहीं मिलाया मैडम, हम तो वेटर हैं और हम अपना काम ईमानदार से करते। बस उस दिन ऑर्डर लिए और वो ऑर्डर अंदर किशोर भैया को दिए। रे पंकज, 7-8 का ऑर्डर रेडी है, ले जाओ फटाफट। 9 नंबर का भी रेडी है पंकज, लेते जाओ। किशोर भैया बताइए तो कल रात को खाने में क्या मिलाए थे आप? हम कब मिलाएंगे मैडम, ये मिलाना विलाना सब दोपहर में हो जाता है। ग्रेवी अलग से बना हुआ होता है, ऑर्डर आया तो बस सब्जी मिला दी ग्रेवी में। तेरे हाथ का बना खाना खा के उन सबकी तबीयत बिगड़ गई, हवा खा के तो नहीं हो सकता ना ये सब। देखिए मैडम, अगर हमारे ढाबे में किसी ने कुछ मिलाया होता तो यही पार्टी क्यों? और भी लोगों ने ढाबे पे खाना खाया, उनकी तबीयत भी खराब होती, उनकी कंप्लेंट्स भी आपके पास आती ना। ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? सबको एक साथ नींद आ जाना, उल्टियां करना, गाड़ी का झील में धस जाना, 3 लोगों का गायब होना, सब एक षड्यंत्र है। हमको भी षड्यंत्र ही लग रहा है जया। बाबा कलीम पर तो हमको पहले से रत्ती भर भरोसा ना था, हमको हमेशा से वो खटक रहा था, लेकिन ये मुकेश अचानक ये सब व्रतों मन्नतों के बीच वो बाबा को कहाँ से उठा के लेकर आया घर पर? हमारा मुआयना पूरा हो चुका है और हमने पता लगा लिया है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो आपके घर पर हावी है। आज रात हम अपने इबादत के दम से उन ताकतों से बात करेंगे और इंशाल्लाह कल हमारे पास हल होगा कि आपके पिताजी कैसे ठीक होंगे। बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको शिफा जरूर मिलेगी। आप सिर्फ चलेंगे ही नहीं बल्कि दौड़ेंगे, मेरा वादा है आपसे। पापा जी प्लीज कुछ भी करिए, लेकिन मेरे बाबूजी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। सारी दुआ सारी शिद्दत तो तुम्हारी है, हम तो बस एक कड़ी हैं। तुम्हारी शिद्दत और हमारी इबादत अगर मिल जाए तो तुम्हारे बाबूजी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। सिकंजगढ़ वाले पीरवाजीत की दरगाह तक ठीक था, लेकिन बात उठी थी फकीर दौला के दरगाह पे जाने। हाँ तो बता दिया ना उनको, ये सारा प्लान बाबा के कहने पर बना था, और क्या बताता पुलिस को? फकीर दौला, मैंने बोला फकीर दौला, सुनाई दिया ना फकीर दौला। ऐसा जरूरी तो नहीं ना, जो हमने सुना वो किसी और ने नहीं सुना होगा। अच्छा हाँ, सुनने में आ रहा है कि 3 लोग अभी तक मिले ही नहीं है। हाँ वो लड़की जानवी, बाबा कलीम कुरैशी, वो टैक्सी के ड्राइवर संदीप वर्मा, 3 लोग आए। ये भी सुना जा रहा है कि सबको सुलाया गया था नींद की दवा खिला के, कोई एक्सीडेंट नहीं था। तो अपने काम पे ध्यान देना, देखा उनके घर में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, इसे तुझे क्या लेना देना। वैसे वो तो बहुत कुछ रहा था। अच्छा जी, आज आप यहीं रुक जाइए, हम दोनों को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। हम अपने घर जाके करेंगे भी क्या, हम लोगों के खाने में कुछ मिलाया था क्या किसी ने ढाबे में? कौन मिलाया होगा? कहा बता चाचा, वो तो भगवान का शुक्र है कि इसने कुछ नहीं खाया, वरना कहा होता हमारे बच्चे का।
सर मेरे ड्राइवर्स मगरमच्छ के जोन तक हुआ है, उन्होंने तो मगरमच्छ को भी देखा है। मैं उनको उस जोन में भेज नहीं सकता, मैं बोलूंगा अभी तो वो जाएंगे नहीं। कोई तो तरीका होगा आगे बढ़ने का। सर मगरमच्छ के जोन तक तो लाशें नहीं मिली, अगर उसके आगे गई होंगी तो ये भी तो हो सकता है सर कि उनको मगरमच्छ ने खा लिया होगा। कुणाल ये झील 6 गांवों को टच करती है, हो सकता है वो आगे जाकर डूबे हों जहां पर मगरमच्छ ना हो। हो सकता है सर, लेकिन डाइवर्स एक दिन में कितने डाइव्स लगाएंगे? अगर उस जोन में होगी तो एक दो दिनों में ऊपर आ ही जाएंगी और 6 गांव में से किसी न किसी किनारे दिख जाएंगी। कुणाल हम 2-3 दिन बॉडीज का अपने आप ऊपर आने का इंतजार नहीं करेंगे। तुम जितना हो सके अपने आदमियों को फैलाओ, उनसे सेफ एरिया में डाइव्स लगवाते रहो। सर फोरेंसिक टीम 2 बारी गाड़ी को चेक कर चुकी है। जी सर, मैं थर्ड और फाइनल स्कैन शुरू ही करने वाला हूँ, बट बता दूँ कि कुछ शो अप होने के चांसेस लगभग नहीं लिए हैं। गाड़ी में एक भी माइन्यूट सुराग ऐसा नहीं मिला जिसको देखकर ये कहा जा सके कि गाड़ी में झड़प हुई है या छेड़छाड़ की गई हो। लेकिन सर जिस तरह से ये मामला हम लोग के सामने आया है, कुछ तो प्रीप्लान लग रहा है। इस तरह से फकीर दौला की दरगाह पे जाने का आइडिया, उसके बाद एक बड़ी गाड़ी में पूरी फैमिली का एक साथ निकलना, फिर एक खास ढाबे पे रुकना, उस ढाबे पे सबके खाने में नींद की दवा मिलाई गई, फिर सबको नींद और चक्कर आना, उसके बाद उस खास मंदिर पे सबका एक साथ रुकना, फिर कुछ लोगों का वहां रुक जाना और कुछ लोगों का वापस निकल आना। सर मानो किसी ने चेक बॉक्सेस बनाया और सब एक साथ टिक होते गए। और सर 9 लोगों में से सिर्फ आरती तनवर ऐसी थी जिसने उस ढाबे का खाना नहीं खाया। वो प्रेग्नेंट है, मन नहीं किया उसका खाने का बहाना था उसके पास, और उसके ब्लड स्ट्रीम से कोई स्लीप इंड्यूसिंग सब्सटेंस भी नहीं मिला। जाहिर है ढाबे के खाने में कुछ मिलाया गया होगा। सर उसी वक्त कई और लोगों ने भी वहां पे खाना खाया था। सर मैंने कुछ लोगों को ट्रेस किया और पता किया तो बाकी सब ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। शायद साजिश घर के अंदर से रची गई होगी। देखो पहले बाबा का फैमिली में आना, फिर 10 बार सिकंजगंज पीर वाजिद की दरगाह पर जाना, उसके बाद अचानक से फकीर दौला की दरगाह पर जाने का आइडिया आना। पर सर बाबा को इस फैमिली में लाने वाला ये मुकेश तनवर था, कहीं ऐसा तो नहीं हम बाय डिफॉल्ट बाबा पे शक कर रहे हैं और असली मास्टरमाइंड ये मुकेश हो? उसी ने अपनी बीवी को मना किया और ढाबे का खाना नहीं खाने के लिए। सर एक प्रेग्नेंट औरत एक फेमस ढाबे का गरम गरम खाना छोड़ के ठंडे पराठे क्यों खाने जाएगी? चाचा रघु और चाची मालती कभी भी किसी दरगाह या मंदिर पर नहीं गए इस फैमिली के साथ, लेकिन फकीर दौला की ट्रिप को लेकर अचानक से तैयार हो गए। सर रघु तनवर पूरी तरह टूट चुका है, कह रहा है कि उमेश के घर यूं ही चला गया था और इस ट्रिप में भी यूं ही शामिल हो गया। चाचा रघु और चाची मालती, क्या इन दोनों को इस साजिश में शामिल किया गया? शफरी ये दोनों खुद शामिल थे। रघु टूटा हुआ है, शायद जनरली टूटा हुआ या फिर टूटने की एक्टिंग कर रहा है। कोई तो है जो टूटने की एक्टिंग कर रहा है। सर ये बड़ा भाई किशन ये फैमिली से अलग रहता था और ये इस ट्रिप में शामिल नहीं हुआ था। उसका इस सब पर विश्वास नहीं था ऐसा उसका कहना है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक्सीडेंट मेरा मतलब क्राइम स्पॉट पर डायरेक्ट उसका अपने माँ बाबूजी और छोटी बहन का फोटो लेकर पहुंचना। लेकिन बाबा कलीम चाचा चाची और ड्राइवर की फोटो नहीं, शायद किशन के पास उनके फोटोग्राफ्स नहीं होंगे। सर ये कॉल मुकेश ने सच में अपने भाई किशन को किया था या सब कुछ प्री प्लान था? फकीर दौला की ट्रिप पर निकले 9 लोग और पीछे रह गए 2 लोग किशन और जया, सबके फोन रिकॉर्ड्स निकलाओ अभी तुरंत, बैकग्राउंड फोन रिकॉर्ड सब कुछ चेक करो। अभी तक हमें 3 बॉडीज मिली और 3 मिलनी बाकी, हो सकता है इनमें से किसी ने ढाबे पर खाना ना खाया हो, एक्टिंग की हो, तबीयत ठीक ना होने की। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुकेश भैया, ऐसे में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। उनको भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चला तो लेंगे लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं है। सर मैं सबके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ अभी। सर लालपुर के मुखिया जगदीश जी आए, साथ में किसी को लाए, कह रहे हैं उस आदमी ने देखा था क्या हुआ था। ये है भैरव सिंह, किसी कारण उस वक्त ये सामने नहीं आया था, लेकिन हम खींच के लाए हैं अभी उसको। डर लग रहा है? जी साहब। चल नहीं पूछता कि पहले सामने क्यों नहीं आया, पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन जो जो सच है अब बता दे। साहब हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन वो गाड़ी झील में अपने आप नहीं गई थी। तो क्या गाड़ी को किसी ने धक्का दिया था झील में? हाँ साहब ऐसा हो सकता है साहब। देख बेटा तूने जो देखा है वो बता सब कुछ। साहब वो गाड़ी कोई एकदम से लुढ़क कर पानी में नहीं गई थी। तो फिर पानी में कैसे गई? सब वो हमें नहीं पता साहब, पर हाँ साहब हमने वहां पे किसी को भागते हुए देखा था साहब। किसे देखा था, पहचान पाएगा? हमने शक्ल नहीं देखी थी साहब, सिर्फ पीछे से देखा था, लेकिन हाँ साहब आदमी था।
देख के बताओ इनमें से कोई था? साहब हम चेहरा तो नहीं देख पाए थे पर हाँ कपड़े कुछ इस तरह के पहने थे साहब। इस तरह के मतलब इस रंग के या इस किस्म के? पठानी पहना था? हाँ साहब। भैरव सिंह ने जो देखा क्या वही बताया था? कुछ छुपा तो नहीं रहा था वो? इशारा तो उसने बाबा कलीम कुरेशी पर ही किया, लेकिन इस पूरे केस में मिस्ट्री फकीर दौला की दरगाह वाले ट्रिप के पीछे ही लग रही थी। करेक्ट, बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था फकीर दौला की दरगाह की ट्रिप को लेकर, और ये राज खुला तनवर फैमिली की कोठी से रातों को जो आवाजें आती थी उन आवाजों के राज के खुलने से। फकीर दौला, मैंने बोला फकीर दौला, सुनाई दिया ना फकीर दौला। तनवर परिवार की कोठी से आने वाली आवाजों ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाली सच्चाइयां रखी। कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आई जो उस घर के अंदर होती आई थी लेकिन पुलिस टीम को बताई नहीं गई थी। कल रात हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा भाग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।